एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। फल कथन की सीरीज में आज हम बात करेंगे तीसरे भाव में पाप ग्रह का प्रभाव को कैसा जाना जा सकता है, इसकी संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो आपको जो जानकारी यह है कि अगर कुंडली में जैसे यहाँ जो ये लग्न है मेष लग्न है, इसी कुंडली में तीसरा भाव जो है वहाँ पे अगर पाप ग्रह जो बैठा है शनि है, तो इसका क्या फल हो सकता है उसकी जानकारी देने का हम प्रयास करेंगे। तो इसका जो सूत्र यह है कि जिस भाव का स्वामी पाप ग्रह हो वो तीसरे भाव में बैठे तो अच्छा फल देता है। तो इसमें जो कंडीशन लगाई गई है कि अगर जिस भाव का स्वामी, मतलब यहाँ पे मेष लग्न की कुंडली में आप देख सकते हैं कि जो पाप ग्रह यहाँ पे शनि बैठा हुआ है तीसरे भाव में, तो वो जो है दशम भाव का स्वामी है और ग्यारह भाव का स्वामी है, तो शनि यहाँ बैठ गया है तो पाप ग्रह यहाँ बैठने से वो दसवें भाव का और ग्यारह भाव का जो है लाभ भाव का कर्म भाव का शनि यहाँ पे अच्छे फल देगा, ये इसकी संक्षिप्त जानकारी है। और इसके विपरीत अगर यहाँ पे शुभ ग्रह बैठ जाए, जो भी शुभ ग्रह अगर बैठ जाता है और तीसरे भाव में, तो वो वहाँ पे मध्यम फल देगा। तो शुभ ग्रह मान लो यहाँ बैठ जाता है, मान लो 9-12 का स्वामी होके गुरु यहाँ बैठ जाएगा, तो उसका जो फल होगा शुभ ग्रह का वो मध्यम फल होगा। तो पाप ग्रह कौन कौन से हैं, जैसे शनि है, मंगल है, ये जो ग्रह होते हैं इसके बारे में ये जानकारी है कि शनि, मंगल और क्षीण चंद्रमा जो होगा वो पाप ग्रह होंगे, तो वो यहाँ पे बैठेंगे। मान लो तीसरे भाव में मंगल बैठता है या चंद्रमा, क्षीण चंद्रमा बैठता है, तो ये पाप ग्रह हो जाएगा और उनके फल वो जो है वो अच्छे देंगे। परंतु इसके विपरीत अगर शुभ ग्रह जो होते हैं वो अगर यहाँ पे बैठेंगे, तो शुभ ग्रह मान लो यहाँ पे बृहस्पति है, बुध है, पूर्ण चंद्रमा है, शुक्र है, तो शुभ ग्रह यहाँ बैठ के वो मध्यम फल करेंगे। ये संक्षिप्त जानकारी हमको देने का प्रयास किया। आप जो भी लग्न के जातक हो, अगर आपका तीसरे भाव में पाप ग्रह जो होते हैं वो शनि, मंगल आदि अगर बैठते हैं तो वो अच्छा फल देंगे जो भाव के भी स्वामी हैं, और अगर वो शुभ ग्रह हैं जो भी भाव के स्वामी होके वहाँ बैठेंगे तो वो मध्यम फल देंगे। ये एक संक्षिप्त जानकारी है आपको देने का प्रयास किया है। तो फल कथन की सीरीज में अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही तो हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे तो हमारे वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपने परामर्श चाहते हैं, अपॉइंटमेंट चाहते हैं, तो आप परामर्श अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और साथ साथ में आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया, वीडियो लाइक किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।